नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि अगले महीने यानी मई के सेकेंड वीक में 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के तुरंत बाद एक बड़ी अजीब सी परेशानी शुरू हो जाती है पेरेंट्स के मन में भी और बच्चों के मन में भी कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। साथ ही ये भी एक चिंता हो जाती है कि इस सब्जेक्ट को लेने से मैं आगे क्या कर पाऊँगा, मेरे को ऐसी कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मुझे जॉब मिल सके। इस सभी परेशानियाँ शुरू हो जाती है जैसे ही 10th क्लास का रिजल्ट आता है। तो आज हम बात करेंगे कि 10th क्लास के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेस हैं, ऐसी कौन कौन सी पढ़ाई है जिसको करके आप अपना मनचाहा जॉब पा सकते हैं, और इनमें से अगर आप अपने सही कोर्स का चुनाव करते हो तो आप जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। मतलब बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई ऐसी करोगे जिससे कि आपको जॉब निश्चित तौर पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10th के बाद ये 7 फील्ड हैं जिनमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हो, जिसमें है इंटरमीडिएट, पॉलीटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, IIIT, शॉर्ट टर्म कोर्सेस और अदर्स। एक कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। तो चलिए इनमें क्या है वो जानते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट कुल मिला के 12th क्लास होती है यानी कि 11th 12th। तो 11th 12th जो है हम लोग 3 स्ट्रीम में कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब साइंस में भी कुछ कोर्सेस हैं जैसे PCM, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बोलते हैं, PCB हुआ, PCMB, PMS और लाइब्रेरी साइंस। इसी टाइप से कॉमर्स में भी है CEA, BAE और BAM। इसी तरह आर्ट्स में भी कुछ कोर्सेस है जैसे MEC, HEC, HEP, HE साइकोलॉजी और HE सोशलॉजी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप अपना इंटरमीडिएट कोर्स कर सकते हो। दूसरा नाम आता है पॉलिटेक्निक का। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसके लिए आपको PPT एग्ज़ाम पहले क्लियर करना पड़ता है, तभी इसमें आप इंटर हो सकते हो। इसकी कुल मिला के 21 ब्रांचेस हैं। इन 21 ब्रांच में से कुछ ब्रांच जो होती है वो खास होती है, जैसे मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, IT हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद एरोनॉटिकल, माइनिंग टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये कुछ खास है जिसके थ्रू आप इस पॉलिटेक्निक को कर सकते हो और इससे निश्चित तौर पर जॉब लगने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इस सीरीज में तीसरा नाम आता है ITI का। ITI में कुल मिला के 13 ब्रांचेस होती है। इन 13 ब्रांचेस में कुछ ब्रांचेस जैसे फिटर, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, फायरमैन और मैकेनिकल, ये कुछ खास ब्रांच है। इन ब्रांचों को लेकर अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें भी जॉब लगने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इस सीरीज में चौथा नाम आता है पैरामेडिकल का। ये 2 ईयर का कोर्स होता है और इसमें कुल मिला के 6 ब्रांचें होती है, जैसे DMLT, DHFM, DOA, DOT, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। इनमें से कोई से भी कोर्स को लेकर आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो। इस सीरीज में अगला नाम आता है IIIT का, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश सरकार ही करवाती है। अगर आप आंध्र प्रदेश के निवासी हो तो इसको आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इनके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस भी है जो 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं उसको, जैसे कि DTP है, PGDC है, टेली है, इंटरनेट है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिज़ाइनिंग है और साइबर सिक्योरिटी है। इनमें से कोई से भी शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और कोर्सेस भी है जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एंड फोटोग्राफी। इनको भी आप अपना कर अपना करियर बना सकते हो। अभी हमने जितने भी कोर्सेज की बात की है उसमें से केवल 2 ही ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, और जिसमें एक है IIIT जिसका एग्ज़ाम है APRJC, और दूसरा है पॉलिटेक्निक जिसका एग्ज़ाम का नाम है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी PPT। इन दोनों एग्ज़ाम को देकर आप उन फील्ड में जा सकते हो। और ये रही वो गवर्नमेंट जॉब जो इन कोर्सों को करने के बाद आप पा सकते हो, जिसमें से VRA मिलिट्री, AV फीमेल के लिए होती है ये, और ड्राइविंग पोस्ट। इनमें से कोई सी भी जॉब आपको मिल सकती है इन कोर्सों को करके।
तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।